is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. दिल्ली में ओखला इनकाउंटर, उस इनकाउंटर में भी आजमगढ़ कनेक्शन निकला। उसी के इन्वेस्टिगेशन के दरमियान दिल्ली पुलिस ने एक मौलवी को गिरफ्तार किया और पाया कि ये मौलवी उत्तर प्रदेश और बिहार के मासूम लड़के जो इंटर पास करते हैं उनको इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग दिलाने के नाम पर दिल्ली लाता था और उनका ब्रेन वॉश करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान के टेरर कैंपों में ट्रेनिंग के लिए भेज देता था। वहाँ से वो लड़के ट्रेनिंग लेकर के आते थे और हिंदुस्तान में बम धमाके करते थे। एट द सेम टाइम एक खबर आई, एक छोटी सी खबर छपी उत्तर प्रदेश के ऐसे ही किसी शहर का, बिजनौर या आजमगढ़ की थी, मुझे ठीक से याद नहीं। वहाँ का एक 12वीं का एक लड़का इंटर में स्टेट में 1-5 में एक अच्छा पोजीशन, मैंने कह रहा हूँ शायद टॉप था या मतलब, लेकिन उसकी पोजीशन 1-5 के बीच में कहीं थी। तो आप एक तरफ देखिए कि एक करेक्टर है जो मेहनत करता है और वो अपना करियर बनाना चाहता है पढ़ लिख करके, एक करेक्टर है जो ऐसे लोगों को ट्रैक करना चाह रहा है, और दोनों सच्ची घटनाएं थी। मैंने इन दोनों सच्ची घटनाओं को क्लब किया और इससे हमारी एक कहानी बुन गई, और जिसमें 2001-9/11 से लेकर के 26/11 तक की उन घटनाओं को, मेजर घटनाएं थे, उसको पिरेते हुए ये फिल्म की कहानी रची बसी गई। सर, आजमगढ़ की बात आती है तो कहीं ना कहीं आतंकवाद, बहुत सारी चीजें जहन में आती है, और अभी फिलहाल की जो बात का जो माहौल चल रहा है अभी, उसमें आजमगढ़ का नाम भी चेंज करने की बात की गई है, तो क्या इसका भी जिक्र किया गया आपकी सीरीज में? नहीं, ये पॉलिटिकल इशू हो सकता है, लेकिन हम कुछ उस तरह के प्रोपगंडा या किसी इस तरह के विषय में जो हमारे कंसर्न में नहीं है। फिल्म का कंसर्न बहुत सीधा सीधा है, आजमगढ़ से जो कनेक्शन जोड़े जाते थे और जो दो सच्ची घटनाएं जुड़ी तो उनको लेकर के कथा कहानी है। नाम चेंज आज किया जा रहा है या उसकी चर्चा चल रही है, इसको लेकर के हमारी फिल्म में इसका कोई जिक्र नहीं। स्टार कास्ट की बात करें, कौन कौन है इसमें, क्या किरदार है? आजमगढ़ दो महत्वपूर्ण किरदारों के इर्द गिर्द घूमती कहानी है। मैंने आपको बताया कि एक ऐसा बच्चा जो पढ़ लिख करके बहुत अच्छा अपना करियर बनाना चाहता है, एक ऐसा आदमी जो ऐसे बच्चों को ट्रैप करके अपने आतंकी मंसूबों को कामयाब करना चाहता है। तो ये दो करेक्टर हैं, एक नेगेटिव साइड में, एक प्रोटोगनिस्ट है लड़का अनुज शर्मा जो मेन प्रोटोगनिस्ट है लड़का, और पंकज त्रिपाठी जी जो मुख्य किरदार निभा रहे हैं, अशरफ अली जो मौलवी का किरदार है वो। इसके अलावा अमिता वालिया, श्रीकांत वर्मा, सिद्धार्थ भारद्वाज, विवेक जेटली, इस तरह के थिएटर से निकले हुए मजे कलाकार हैं जो अन्य भूमिकाओं में हैं। आजमगढ़ की बात करें अगर, तो आजमगढ़ की अगर बात चल रही है तो अबू सलीम का कहीं ना कहीं रिश्ता है, तो वो भी किसी नहीं दिखाया, क्योंकि उसके बिना मुझे लगता फिल्म कंप्लीट होगी। देखिए, मैंने मेरा ये इरादा नहीं था कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से या पर्टिकुलर नाम से, ठीक है, हमने अपने दो करेक्टर के इर्द गिर्द ही कहानी रखी है। और मेरा स्टोरी टेलिंग का आइडिया ये है कि मैं बहुत ज्यादा भटकाव में जाता नहीं हूँ, मुझे अपनी स्टोरी एक एक स्टार्ट पॉइंट से लेकर के जो डेस्टिनेशन पॉइंट हमारा होता है वहां तक के बीच में बहुत सीधी चलने की हमारी आदत है। तो मैं उसके उलझना नहीं चाहता हूं कि किसी व्यक्ति को या किसी अन्य मतलब कि पर्टिकुलर किसी नाम के साथ चीजों को बढ़ा जाए। हमारी कहानी का एक प्रवाह था, उस प्रवाह में जो कुछ भी मैं कर सकता था वो बेलाग लपेट किया। बहुत सारी फिल्मों में कई बार ये होता है कि हम करेक्टर के नाम सीधे सीधे नहीं लेते हैं, लेकिन हमने, आप फिल्म जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे आतंकवादी जो हमारे देश की राष्ट्रीय एकता को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, हमारी अस्मिता पे, राष्ट्रीय अस्मिता पे चोट पहुंचाना चाहते हैं, मैंने उनका नाम लेने में कोई गुरेज नहीं किया। सीधे सीधे मैंने नाम लिया हाफिज सईद को हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन को सैयद सलाउद्दीन, ऐसे मैंने बेलाग लपेट नाम लिया है।
सर क्या रीजन है कि पंकज त्रिपाठी जी एक भी प्रमोशन में दिखाई नहीं दे रहे, उसके पीछे का क्या रीजन है अगर उस बारे में बताएं, क्योंकि उनका जिस तरह से पोस्टर से लग रहा है फिल्म में मुख्य किरदार है, तो आपको लगता है कि एज ए डायरेक्टर, और सर आपसे भी जानना चाहूंगा एज ए प्रोड्यूसर, चाहेंगे कि जो मुख्य एक्टर है वो प्रमोट करे और पंकज त्रिपाठी बड़ा नाम है जिससे कि फिल्म को फायदा हो सकता है? देखिए, जब पंकज त्रिपाठी जी ने ये फिल्म की थी तब वो स्टार नहीं थे, एक्टर तो आज भी है कल भी थे। अब ये मेरी पहली फिल्म है, मेरे लिए उनके लिए अब मैं स्ट्रगलिंग एक्टर हो गया, स्ट्रगलिंग डायरेक्टर हो गया हूँ। तो जिस ऊंचाई पे वो पहुंच गए हैं, शायद उनके मन में ऐसा है कि एक स्ट्रगलिंग एक्टर के साथ आज वो अपना नाम क्यों जोड़े, उनके मन में है कि ऐसा होगा कि भाई जिस ऊंचाई पे हैं, बड़े एक्टर के साथ, बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करते हैं, तो शायद उनको मेरे नाम के साथ अपना नाम जोड़ते हुए कोई असहजता या कोई व्यापारिक अनुबंध उनके आड़े आता होगा। खैर, मैं वो सब चीज़ें तो उनके हिस्से की चीज़ है, आप उनसे पूछें। लेकिन मुझे इसका अफसोस है कि वो जब स्ट्रगलिंग के दिनों में थे तब मैंने ये फिल्म शूट की थी, और मैंने उनको बहुत ही एक उम्दा एक्टर के तौर पे चाहा, और उनकी इच्छा थी, वो अपनी इच्छा से रोल किए हैं, अशरफ अली का किरदार उन्होंने पढ़ करके, और उन्होंने इच्छा जाहिर करते हुए कि हाँ मैं इसको करना चाहता हूँ, उन्होंने तब किया। आज वो नहीं कर रहे हैं तो इसका अफसोस मुझे है। क्या आपने बात करने की कोशिश की है उनसे ये प्रमोशन के लिए और जब फिल्म रिलीज हो रही है अभी? देखिए, बात एक मुकाम पे आकर के रुक गई थी, बात उस मुकाम पे रुक गई थी जब 3 साल तक उन्होंने मुझे डबिंग का वादा करके 3 साल मेरा समय उसमें जाया हुआ, और अंततः एक दिन उन्होंने 2019 या 2018 के एंड में या 2019 के प्रारंभ में उन्होंने कह दिया कि मैं इस फिल्म की डबिंग नहीं करूंगा। उन्होंने सिर्फ अपने अपने सीन देखे थे और उन्होंने खुद ही अपने लो वर्जन मांगा था कि आप लो वर्जन व्हाट्सएप कर दीजिए, वो देखने के बाद या जो भी हो कारण उन्होंने डबिंग से मना कर दिया। मैंने तब बात की थी तो उन्होंने कहा मिश्रा जी आप फिल्म रिलीज करिए, मुझे उससे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन मैं अब इससे डबिंग इसका मैं नहीं करना चाहता हूं, मैं इसके। कमलेश जी, मीडिया कर्मियों को पंकज जी की तरफ से मेल किया गया है कि न्यूज को या रिव्यू ना करे फिल्म का, इस पे क्या कहना है? देखिए, ये यदि उनकी तरफ से हुआ है तो उस पे तो क्या कारण से ऐसा उनकी तरफ से किया गया है इसका जवाब वो खुद दें ज्यादा अच्छा है, आप उनसे पूछें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन यदि ऐसा हुआ है, जो मेरी जानकारी में आप ही के जरिए आ रही है, तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, मैं सीधे सीधे कहना चाहूंगा कि आज 28 अप्रैल को मेरी फिल्म रिलीज हो रही है, ये मेरी पहली फिल्म है। पंकज याद करें उनकी पहली फिल्म कौन सी थी और तब क्या उनका इमोशन था, जो उनका इमोशन रहा होगा, जो सपोर्ट हो मीडिया से, जो सपोर्ट हो अपने डायरेक्टर से, जो सपोर्ट हो अपने को एक्टर से, जो सपोर्ट अपने वो प्रोड्यूसर से चाहे होंगे, मैं वही सपोर्ट आज मीडिया से, पंकज भाई से ये चाहता हूं। नहीं दे रहे हैं, उनका कॉल है। शूटिंग किस साल में की है? मेरी फिल्म 2011 से शुरू हुई थी, 2018 तक हमारा शूटिंग चला था, उसके बहुत सारे कारण थे। 2018 तक शूटिंग नहीं चला, 2015 तक शूटिंग चला था। 16, 17, 18 3 साल मैंने वेट किया पंकज जी के डबिंग का। अंततः जब उन्होंने डबिंग से मना कर दिया तो मैंने ये फिल्म 15 में आ जाती यदि पंकज जी साथ दिए होते तो, लेकिन 2018 तक मैंने उनका इंतजार किया। अंततः जब 2018 में उनका कॉल आ गया कि भाई हम इसको नहीं डब करेंगे, तो मैंने 19 में फिल्म को पूरा करके सेंसर करा लिया। अनफॉर्चुनेटली सेंसर हुआ और लॉकडाउन की नौबत आ गई, 2-3 साल ऐसे पेंडेमिक में निकले हैं, इसलिए फिल्म आज की तारीख में अब आपके सामने है। सर, लेकिन 12 साल बहुत लंबा समय होता है, तो मैं कहा ना कि 11 से 15 मेरे स्पैन 4 साल ही है, आप आज की तारीख में गिनेंगे तो 12 साल है। 15 से तो मैंने 18 तक तो इंतजार किया पंकज जी का, और उन्होंने वादा किया कि था कि हम डब करेंगे, उन्होंने फिल्म देखी थी, पूरी फिल्म देखी थी, और उसके बाद देखने के बाद उन्होंने ये वादा किया था कि मैं फिल्म डब करूंगा। लेकिन
वो उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे तारीख टालते गए और अंततः उन्होंने फिल्म को ना कर दिया। तो आप ये नहीं कहें कि 12 साल, हमने सिर्फ 4 साल का ही, उसके बाद 3 साल तो इंतजार किया, 3 साल पेंडेमिक है। सर फिल्म करने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके कोई लीगल एक्शन लेने के विचार में है, अगर उस बारे में कुछ कहना चाहे? देखिए ये फिल्म, जब पहली फिल्म एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर बनाता है और एज ए डायरेक्टर, तो बहुत सारे लोगों का सहयोग लेकर के काम करता है। बड़े हाउसेज इस तरह की सारी फॉर्मेलिटीज करते हैं, लेकिन हम लोग तो आपसे मदद लेंगे, आपसे मदद लेंगे, फिर इनसे मदद लेंगे, कुछ इनसे। पंकज जी से भी मदद के तौर पे ही उनका साथ मिला, और उनको फिल्म पसंद थी, उनको रोल पसंद था, उनको स्क्रिप्ट पसंद आई थी, तो बिना कॉन्ट्रैक्ट के उन्होंने मुझे ये सहयोग करते हुए ये साथ दिया था। तो हमारा किसी के साथ इस फिल्म में, किसी के साथ मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, सबके साथ मेरा दोस्ताना संबंध के साथ, सबने अपना 100% दे करके मुझे फिल्म कंप्लीट करने में मदद की। पंकज जी ने भी शूट में पूरी तरह से हमें सहयोग दिया, मैं उनका आभारी हूँ और उनका शुक्रिया आप लोगों के माध्यम से आज भी करना चाहूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट वाली जो बात थी वो थी ही नहीं, न उनकी तरफ से न मेरी तरफ। सर कॉन्ट्रैक्ट की बात आपने कहा कि हमने सब दोस्ती खाते में, मतलब ऐसे पहचान में किया है, लेकिन कुछ संस्थाएं हैं, इम्पा जो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो फिल्म की, ये चीजें इन्हीं को सोल्व करती है कंट्रोवर्सी को। पहली बार ऐसा हुआ है बॉलीवुड में इतिहास में जो आपके साथ घटना घटी है, तो इसके लिए क्या कोई संस्था साथ नहीं दे रही आपका? देखिए मुझे उस संस्थाओं की मदद की अभी जरूरत नहीं है, मैं इस कंट्रोवर्सी में जाना ही नहीं चाहता हूं। मेरे लिए मास टीवी, चिरंजीवी भट्ट, मानसी भट्ट, ये लोगों ने आकर के फिल्म को एक तरह से पब्लिक में लाने की पूरी सहयोग दिया, तो फिल्म मैं लीगल ढंग से और नैतिक आधार पर मैं फिल्म लेकर के आ रहा हूं। मुझे अपनी तरफ से कोई कंट्रोवर्सी में नहीं जाना था। पंकज जी की तरफ से लीगल नोटिस आया, पहली बार वो लीगल नोटिस ही इनवैलिड था, दूसरी बार फिर वैलिड नोटिस आया। मैंने पूरे पॉइंट के साथ, पूरी टाइमलाइन के साथ, पूरे एक एक पहलू को रखते हुए हमारे वकील ने उनके लीगल नोटिस का जवाब बढ़िया से दिया, और उसके बाद से उनकी तरफ से चुप्पी हो गई। और मैं चाहता भी था कि इस बात का विवाद में ना किसे, हम लोग क्रिएटिव लोग हैं, हम क्यों विवाद में जाएंगे। मैं तो पंकज भाई को मैंने खुले तौर पे अपील किया था कि पंकज भाई भूलिए इन सब चीजों को, आइए हमारे साथ, मेरी पहली फिल्म है, आप साथ दीजिए, हम लोग एक गांव के जैसे हैं, मेरा और उनका जिला एक है, हम लोग एक गांव और मतलब आसपास ही है, उनके दादाजी मुझे पढ़ाए हुए हैं, तो हमारा संबंध सिर्फ फिल्मों का नहीं है, हमारा संबंध बहुत भाईचारे वाला भी है। सर क्या पंकज त्रिपाठी जी इतने बड़े हुए, कितने बड़े हुए हैं सर, आपसे जानना चाहेंगे? मैं नहीं समझ, आपसे जानना चाहेंगे इतने बड़े हो गए हैं आपकी नजर में कि उनका एक वीओ करने में या डबिंग करने बहुत शर्म आ रही है, कितने बड़े हो चुके हैं वीओ? देखिए कोई लाइन कितनी बड़ी है ये दूसरी लाइनों से तय होता है, वो आज की तारीख में कितने बड़े हैं वो डिपेंड करता है कि मैं कितना छोटा हूं। मेरी पहली फिल्म है, उन्होंने दुनिया भर की फिल्में कर रखी है, जाहिर सी बात है कि बड़े हैं। आज वो आप लोगों के भी लाडले हैं, देश के बहुत सारे दर्शकों के लाडले हैं, प्रोडक्शन हाउसेज के लाडले हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो तो बात है, लेकिन बड़प्पन और बड़ा होना में बहुत फर्क है। चिरंजीव जी आपको क्या कुछ प्रॉब्लम है फिल्म रिलीज करने में? नहीं हमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, स्टार्ट में हमें बस ये आपका होल्डिंग के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, बट हमें डायरेक्टली कुछ नहीं हुआ था, कमलेश जी को ही हुआ था, और फिर उसके बाद तो हमने वापस होल्डिंग भी लगाया और आज मूवी रिलीज भी करने जा रहे हैं 28th को। तो क्या अभी कल पिक्चर भी जगह होल्डिंग लगी आपकी? जी हाँ, होल्डिंग तो हमारे लगे हुए हैं मुंबई में, जुहू में लगे हुए हैं, अंधेरी में लगे हुए हैं, काफी सारे। संजय जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कंट्रोवर्सी तो क्रिएट की हुई कंट्रोवर्सी है, क्योंकि आप ये देखिए जब होर्डिंग लगाते हैं हम लोग, अब होर्डिंग जब 6 दिन 7 दिन लगा रहता है तब तक वहाँ पंकज जी की तरफ से कुछ भी कोई जवाब नहीं आता, और जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो उसके लिए पर्टिकुलर टाइम होता है, जो कोई भी फिल्म हो, कि 6 दिन 10 दिन होर्डिंग लगता है, जिस दिन होर्डिंग लगता है तब उनके लॉयर फोन करते हैं हमको
और कहते हैं आप होर्डिंग हटाइए, जब एक लीगल नोटिस जाता है तो शांत हो जाते हैं वो, फिर बैकडोर से पूरी तैयारी करते हैं वो, जैसे आपने कहा कि मीडिया को वो भेज रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, तो ये एक एक्टर के लिए शोभा नहीं देता। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूं कि एक वो कहानी मुझे याद आ रही है, सुदामा की और कृष्ण वाली कहानी याद आती है, कि दो दोस्त बचपन में साथ साथ खेले, बड़े हुए, सब कुछ हुआ। वही कहानी हमारे कमलेश जी के साथ और उनके साथ है, पंकज जी के साथ। इन दोनों ने बचपन से एक खेल खेला, एक डायरेक्टर बना, एक एक्टर बना, साथ साथ रहे, एक ही रोटी के दो टुकड़े काट खाए इन्होंने, सब कुछ, बहुत सारी चीजें कही। और जब वो कृष्ण बन गए आज, और ये सुदामा है, मैं नहीं, प्लीज आप अदरवाइज मत लीजिएगा, एक सुदामा है, तो आप देखिए आज उनका ये दायित्व बनता है कि उनका हाथ पकड़कर, ये वो तीन मुट्ठी लेकर गए थे आप चंगुल के उसके, तब उन्होंने कृष्ण उनका साथ दिया था। अब उन्होंने इस वक्त साथ देने की बजाय जो इनके पास एक चार दो तीन जो खाने के हैं वो भी वो खींचना चाह रहा है इनके हाथ से, तो ये एक शोभा नहीं देता इंडस्ट्री में। दूसरा एक बहुत बड़ी बताता हूँ आपको, उनका जो होल्डिंग लगा है वो 62 फीट हाइट का होल्डिंग है, जो कि बॉम्बे के सबसे टॉलेस्ट होल्डिंग में लगा हुआ है वो होल्डिंग। और एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है कि उसका चेहरा लोगों को दिखाई दे, और आप जितना दिखोगे इंडस्ट्री है उतना बिकोगे। आप अपने आप को देखिए, इंडस्ट्री को देखिए, आप इज्जत कीजिए उन चीजों की कि आप कहीं दिखाई दे रहे हैं, आपको कमलेश जी लेकर आए हैं, प्लस जो फिल्म में जो भी आपका रोल है पूरा फिल्म में आप ही के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूम रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसमें आपका रोल कितना है, कम है, ज्यादा है। लेकिन एक बात मेन है कि जितनी भी बातें हुई हैं ये बातें मीडिया से हो रही हैं, हम तो खुले दिल से कहते हैं पंकज जी से आइए बात कीजिए। और हाँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि इन्विटेशन हमारी तरफ से उनका उनके पास गया था कि हम लोग कर रहे हैं, आप रिव्यू में आइए, क्योंकि डेफिनेटली चैनल का भी दायित्व बनता है, जहाँ डायरेक्टर के प्रति होता है वहीं हमारा एक्टरों के प्रति भी होता है। और चूंकि बहुत बड़े एक्टर हैं, डेफिनेटली इंडस्ट्री में उनको लोग तवज्जो देते हैं, नाम देते हैं, ठीक है। और इसकी सबसे दूसरी बात, एक अच्छी बात बताते हैं कि 21 तारीख को ये फिल्म रिलीज हो रही थी ईद के दिन, लेकिन चूंकि उस दिन आपकी सलमान खान की फिल्म रिलीज हो रही थी तो हम नहीं चाहते दो फिल्म आपस में कंट्रोवर्सी में फंसे, क्योंकि आजकल बहुत सी चीजें होती हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म और सिनेमा दोनों दो डिफरेंट सेक्टर, लेकिन एक दूसरे के देखने वालों को काट देते हैं, लोग देखने में वो डिस्टर्ब करते हैं, तो हमने इसलिए इस फिल्म को 8 दिन डिले किया, इसलिए हम 28 तारीख को इसको रिलीज कर रहे हैं। और अभी होर्डिंग्स लग चुके हैं, सब कुछ हो चुके हैं, अभी तक तो कोई मुझे ऐसा लगा नहीं पंकज जी की तरफ से कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल बात हुई हो। और आगे भी तो देखिए इंडस्ट्री है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत सी फिल्मों के साथ होती हैं चीज़ें, वो होगी तो सब देखेंगे क्या होता है। कमलेश जी, आपको लगता है कि ये जो विवाद चल रहा है फिल्म को लेकर, इससे कहीं ना कहीं फिल्म को नुकसान होगा? देखिए, फिल्म अपने कथा और अपने कंटेंट पे टिकती है कोई भी फिल्म, ठीक है। यदि मेरी फिल्म में कोई कंटेंट नहीं होगा, कथा नहीं होगी, तो 2-4 दिन में सब सामने आ जाएगा लोगों के, आप लोग खुद देखेंगे। यदि मेरे फिल्म में कथा के दम पे, मैं नहीं कह रहा हूं कि एक महान मेकिंग वाली फिल्म है, हाई वैल्यू प्रोडक्शन वाली फिल्म है, मैं साफ कह रहा हूं ये नहीं है, बावजूद इसके मैं ये दावा जरूर कर रहा हूं कि कथानक के तौर पे, स्टोरी लाइन के तौर पे फिल्म आखिरी मिनट तक आपको बाधे रहेगी। तो इस विवाद से मन दुखी हुआ, मेरी फिल्म पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। संजय जी ने कहा कृष्ण और सुदामा का, एग्जैक्ट यही लाइन मैंने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए पंकज जी को अपील की थी कि पंकज भाई, मैं सुदामा बनता हूं, आप कृष्ण की तरह अपने मन का विस्तार कीजिए, आइए गले लगते हैं। मास टीवी दर्शकों के लिए ही पिक्चरें और मूवीज लाता है, हमें हमारी स्टोरीज से मतलब है। आती जाती जो ये विवाद आते रहते हैं, इंडस्ट्रीज में विवाद नहीं होंगे तो इंडस्ट्री फिर आपकी चलेगी नहीं, पर हमारा मेन फोकस दर्शक है और उनके लिए अच्छी कहानियां और अच्छी प्रोजेक्ट्स लाने का हमारा वो है ऑब्जेक्टिव। संजय जी, और क्या क्या ऑफर निकाले मास टीवी के अंदर, बताएं दर्शकों के लिए? देखिए, अभी बहुत सारी चीजें आ रही हैं, साथ में हम एक बड़ा, क्योंकि एक्चुअली एक मीडिया की तरफ से खबर आई थी कि उन्होंने, पंकज जी ने कहा, बार बार पंकज जी का जिक्र इसलिए आ रहा है कि हर मीडिया ने कुछ ना कुछ उस बारे में लिखा है, तो पंकज जी ने एक शब्द कहे थे कि मैंने इस फिल्म में बिना पैसे लिए काम किया है,
तो थोड़ा सा चैनल ने भी बहुत सोचा, काफी डिस्कशन हुए, फिर चैनल की तरफ से ये सोचा गया कि जब वो फ्री में वो काम कर सकते हैं तो क्यों नहीं इस फिल्म को भी फ्री में दिखाया जाए दर्शकों को। और कारण एक तो ये था, दूसरा कारण उसमें ये सबसे बड़ा कि एक पर्टिकुलर एक जो हम अल्पसंख्यक समुदाय को कहते हैं कि उसमें हर आदमी आतंकवादी होता है, उस कहानी में उसी जाति के लोग किस ढंग से एक अच्छा किरदार निभाते हैं, उसी की वो एक रेपुटेशन बनाते हैं, इज्जत बनाते हैं, उस टाइप की कहानी में बहुत सारे चेंजेस हैं। तो उस कारण से भी हमारा मूड था कि हम इसको आजमगढ़ को एक अच्छे ढंग से एक अच्छे शहर के रूप में लोगों को जाने उसको, इस कारण से हम चाह रहे हैं कि इस फिल्म को फ्री दिखाया जाए। एक पर्टिकुलर हम लोग एक कोड रिलीज करने वाले हैं क्योंकि डेफिनेटली चैनल बहुत सारी फिल्में हैं, ये आजमगढ़ के अलावा भी बहुत सारी रिलीज हैं, और बहुत सारी पहले हमारी बुरहान मूवी आई थी जो बुरहान भी एक बहुत बड़े आतंकवादी पर थी, उस पर भी हमें जम्मू से बहुत थ्रेटनिंग कॉल आए थे उसके अंदर कि आप बुरहान को आप कैसे दिखा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी फिल्में आती हैं जो कि चलती रहती हैं। अभी आने वाले समय में हम लोगों की वो कार्टून मूवी कौन सी है, बिलाल आ रही है, जो बिलाल जो फर्स्ट अजान दी गई थी उसकी मूवी आ रही है जो कि 350 करोड़ की मूवी है, और उस पर भी कम से कम 10 से 15 कंट्रियों ने उस पर बैन लगाया हुआ है, मुस्लिम कंट्रीज ने, उसको भी हम लेकर आ रहे हैं चैनल के अंदर ला रहे हैं। उसके बाद एक हमारी कोड ब्लू कर फिल्म आ रही है, उसमें भी छोटा मोटा कंट्रोवर्सी हर जगह होती है, उसमें भी कुछ बातें हैं ऐसी जो जल्दी है आपको भी मालूम पड़ेंगी उसमें भी, ठीक है। तो ऐसे फिल्म तो एक के बाद आती है, चैनल काम होता है रिलीज करना, लोगों को दिखाना। तो हमारे तो हर 15वें दिन कोई ना कोई नई चीज आपको हमको हमारे आपके सामने लेकर आ गई है। कमलेश जी क्या अपील करना चाहेंगे अपने दर्शकों को? देखिए सिंपल सी है कि दर्शक और हमारे बीच का नाता यह है कि हम एक चीज लाए हैं, आप उसे देखें, देख करके आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ अपना प्यार दें, यदि उसमें कोई कमी है तो वो भी हमें बताएं, क्योंकि सिनेमा सतत सीखने की विधा है। यदि आपके उस तरह के कमेंट, आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया हमें मिलती है तो हमें अपने को गढ़ने में, सुधारने में मदद मिलती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर फिल्म एकदम आखिरी लैंडमार्क होता है, हमारी तो पहली है, और मैं खुद ही कह रहा हूं कि ये हमारे सीखने की प्रक्रिया के दरमियान बनी हुई फिल्म है। आपको टेक्निकल आधार पे किसी और कारण से फिल्म में किसी और भी तरह की फिल्म है आपकी? मेरी नेक्स्ट जो फिल्म है वो भी एक सामाजिक विषय पे ही है, फीचर फिल्म है, हम जल्दी ही उसका अनाउंस करेंगे। वो फिल्म मैं लिख रहा हूँ, अभी लिखने के स्टेज पे है, और एक बड़े प्रोडक्शन हाउस से अभी बात चल रही है जो प्रोड्यूस भी करेंगे उसे। इसके पहले का जो काम है, मेरा एक शॉर्ट फिल्म टॉम अल्टर साहब के साथ थी जो डिज्नी हॉट स्टार पे स्ट्रीम हो रही है, किताब जो थी वो लगभग 75 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जा चुकी है, लगभग 35 से ज़्यादा अवार्ड उसने जीते। मुझे मेरी जो फिल्म है मधुबनी द स्टेशन ऑफ कलर्स डकू ड्रामा है, उसके लिए नेशनल अवार्ड उस फिल्म को मिला। और इससे पहले के जो काम है, काम तमाम है, लेकिन फिल्म के क्राफ्ट पे ये कुछ काम है जो आप लोगों को पसंद आएगी, और आजमगढ़ भी निश्चित तौर पे, मैं ये कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पे पसंद आएगी, और पंकज जी देखेंगे तो उनको भी अच्छी लगेगी। कमलेश जी एक लास्ट सवाल है, जैसे कि संजय सर ने बताया कि पंकज जी ने इस फिल्म को फ्री में किया था, क्या यही वजह तो नहीं है कि वो फिल्म के लिए प्रमोशन नहीं कर रहे या डबिंग नहीं किया उन्होंने? देखिए यदि मैं आपके लिए फ्री में कोई काम करता हूँ तो मेरा इमोशन ज्यादा जुड़ा रहेगा, ठीक है, तो ये वक्त की बात है, उस दरमियान आगे बढ़ गई होती तो ये महत्वपूर्ण फिल्मों में उनके ही नजरिए से काउंट होती। आज वो इस ऊंचाई पे पहुंच गए हैं या इतनी दूर जा चुके हैं, उनके लिए फिल्म छोटी लग रही है, तो ये कारण नहीं है कि फिल्म फ्री में कर दिया है तो मैं डबिंग नहीं करूंगा, या फ्री में कर दिया है तो प्रमोशन नहीं करूंगा, या फ्री में कर दिया है तो मैं उसे अपना नाम नहीं जोड़ना चाहूंगा। अब देखिए मैं कोई सपने में तो एक्टिंग कराया नहीं हूं, सशरीर वो लोकेशन पे गए हैं, देहरादून में हमने शूट किया था, दिल्ली में शूट किया, वहां गए हैं, वहां शूट किया है, उन्होंने डायलॉग बोले हैं, उन्होंने कपड़े पहने हैं, तो वो अपनी खुशी और मर्जी से, और पंकज जी जैसे एक्टर थोड़े चूजे तो होंगे ही ना,
अपना रोल ठीक समझ करके ही चूज किए होंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि यूं ही कर दिए होंगे मेरे नाम से, मेरे नाम से नहीं, मेरी स्क्रिप्ट में जो किरदार था उसको पसंद था इसलिए किया था उन्होंने। बहुत बहुत बधाई हो प्रोड्यूसर्स को और मास्क टीवी को और कमलेश जी को, कमलेश जी को तो बहुत ज़्यादा बधाई हो कि फर्स्ट डेब्यूट है सिनेमा पे, तो मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कमलेश जी। जी अंजू मैम, आप फिल्म देख रही थी, कैसा लगा अब तक, आप कितना अच्छा लग रहा है आपको फिल्म? मुझे तो बहुत ही अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि आतंकवाद हमेशा से हमारे देश का एक ज्वलंत मुद्दा है, एक समस्या है, और जिस तरह से उसको लेखक निर्देशक कमलेश जी ने जिस तरह से डिपिक्ट किया है सब चीजों को, तो बहुत खूबी से उन्होंने दिखाया है कि मिले मिट्टी में वो पामाले आशुबे खिजा होकर चमन ने जिनको पाला था बड़े नाजुक से दामन में, तो वो बच्चे जो बड़े ही नाजुक से पाले जाते हैं किसी चमन में फूलों की तरह, वो खिलते हैं, महकते हैं, चहकते तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वो कोई ऐसा रास्ता अख्तियार कर लेते हैं जो देश के लिए भी अच्छा नहीं है और उनके लिए खुद भी पर्सनली अच्छा नहीं है, तो किस तरह से पूरे एक मत, अब देखिए पूरे शहर की त्रासदी को उन्होंने सामने दिखा दिया कि जो जानी जाती है आलमी लोगों के लिए, कैसे वो एक आतंकवादी जो समस्या वहां पर उठ खड़ी होती है तो शहर की जो एक तरह की मिजाज ही बदल जाते हैं और शहर के लिए लोगों के मिजाज बदल जाते हैं, और आखिर में मतलब मैं बताना नहीं चाहती क्लाइमैक्स क्या है इसका, लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने कहने की कोशिश की है कि फिर कहीं भीगी आंख का मंजर न मिलेगा, घर छोड़कर मत जाओ, कहीं घर न मिलेगा। शर्मा जी, हिंदुस्तान में हमेशा हिंदू और मुस्लिम के लोग दंगे होते रहते हैं और हमेशा पॉलिटिकल मुद्दे पर लगाते हैं हिंदू, आप उसमें मुस्लिम करेक्टर की नेगेटिव में क्या कुछ कहना चाहेंगे उस करेक्टर के बारे में? सवाल बहुत बढ़िया है यार ये, और इसका जवाब सुन लीजिए, आप सब सुन लीजिए। देखिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि यदि मैं हिंदू हूँ और किरदार के बारे में तो ये है कि मैं एक्टर हूँ तो मेरे लिए कोई सीमाएं तो है नहीं, सब कुछ मेरा है तो सब कुछ करना है। जहाँ मैं हिंदू हूँ तो मुझे लगता है कि सारी दुनिया कृष्ण ने बनाई है, पूरी दुनिया उसकी बनाई हुई है, तो मुझे इस पे बिलीव करना चाहिए कि पूरी दुनिया उसने बनाई है। जब पूरी दुनिया उसने बनाई है तो मुस्लिम पराया हो ही नहीं सकता क्योंकि वो भी उसने बनाया, और यदि मुस्लिम को ये लगता है कि सारी दुनिया अल्लाह ने बनाई है तो उसके लिए हिंदू पराया नहीं हो सकता क्योंकि सारी दुनिया अल्लाह ने बनाई है ना, तो मुझे लगता है कि सब एक ही है यार, नाम अलग अलग है। काफी नौजवानों को बनलाकर देखा जाए तो टेलीविजन में डाला जा रहा है, उस पर अभी क्या राय है? ऐसा नौजवान मुझे नहीं लगता कि कोई बरगड़ाए जा रहे हैं, वो तो राय ऐसी है कि एजुकेशन जो है वो एजुकेशन सिस्टम हमारा हमेशा ठीक होना चाहिए, बच्चे को संस्कार ढंग से मिलेंगे तो, मुझे आज मैं इतने साल का हो गया हूँ तो मैं तो गलत राह पे नहीं चला क्योंकि मुझे बचपन में शिक्षा सही मिली है, यदि मुझे बरगड़ाने वाले तो बहुत मिले होंगे ना लाइफ में, हर एक को मिलते हैं, तो ये तो आपके ऊपर है कि आप बरगड़ाए जाते हैं कि नहीं। अनुज जी, आप फिल्म में आपने पंकज त्रिपाठी के साथ स्क्रीन शेयर किया है, कैसा अनुभव रहा? मुझे हमेशा अच्छा अनुभव होता है किसी भी एक्टर के साथ चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि मुझे फिल्म तो एक टीम होती है उसमें सबके साथ ही मुझे अच्छा लगा, पंकज जी के साथ भी, बाकी जितने लोगों ने काम किया सबके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। जी अपने कलाकारों में बताएंगे और आपके साथ कौन कलाकार इसमें पंकज भाई हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, और सुदर्शन है, बरार हैं, बरार सुशांत बरार हैं, अमिता वालिया जी हैं, हृदयजीत सिंह जी हैं, और सात बाबा हैं, विवेक जेटली है, इस तरह के बहुत सारे कलाकार हैं, दोस्त हैं हमारे। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कुछ शेयर करना चाहेंगे? मेरी एक फिल्म है जो अभी 8-9 अवार्ड जीत चुकी है, मेरी चिड़िया, तो उसमें 60 मिनट सोलो परफॉर्मेंस है मेरी, अब तक की अलग सिनेमा है वो इंडिया के लिए, तो दीपक गर्ग ने डायरेक्ट किया जिन्होंने महादेव बनाया था, तो वो आने वाली है और अभी फेस्टिवल्स में चल रही है। दूसरी मैं अभी हीरा मंडी कर रहा हूँ मिस्टर बंसारी के साथ जी, तो ये आने वाली है नेटफ्लिक्स के लिए, तो वो नेक्स्ट ईयर रिलीज होगी शायद, देखते हैं। ये आपकी पहली फिल्म थी आजमगढ़? हाँ, फिल्म के तौर पे पहली तो नहीं थी क्योंकि मुझे लॉन्च रामगोपाल वर्मा ने किया था, गो एक फिल्म आई थी 2005 में, बट ये मेरे जिस आदमी ने मुझे मतलब उंगली पकड़ के चलना सिखाया था उनके साथ मेरी ये पहली फिल्म थी, वो कमलेश जी हैं। कमलेश जी, आज आपका खड़ा किया स्टार बहुत बड़ा स्टार हो गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सामाजिक बारे में? देखिए सब लोग अपने इंडिविजुअल
जो टैलेंट है उसके दम पे ही आगे बढ़ सकते हैं। और मेरी हमेशा से मतलब कि ना सिर्फ अनुज एक्टर है, इस वजह से हमेशा से जो भी मेरे संपर्क में काम करते हैं और जहाँ भी वो पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, लगन से आगे बढ़ते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। और अनुज तो निस्संदेह एक प्रतिभाशाली एक्टर को मैंने फाइंड आउट किया था दिल्ली में ही, तो हमेशा से मेरी शुभकामनाएं, मेरा समर्थन, मेरा हमेशा जब कभी ये किसी मतलब ये कहते हैं ना कि इंग्लिश में कि लो फील करते हो, तब ये मुझे फोन करते हैं और तब मैं हमेशा हौसला देता हूँ कि समय जो है वो वक्त ये भी आपका इम्तहान ले रहा है, पास होते रहो ठीक है और बेहतर होते रहो। आपने दो लड़कों को चांद दिया था, एक पंकज त्रिपाठी एक अनुज जी को, एक ने साथ दिया एक ने साथ नहीं दिया, दोनों को शिक्षा नहीं सही दी थी। देखिए अनुज को उन दिनों मेन लीड में कास्ट किया ठीक है, वो निश्चित तौर पे साथ दे रहे हैं। पंकज जी को मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने लॉन्च किया, उन दिनों ठीक है उस वक्त स्ट्रगल में थे, उतने बड़े स्ट्रगल में थे ठीक है, अलग बात है, मैंने उन्होंने भी मेरा साथ दिया ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको मैंने लॉन्च किया। वो एक मैं आपको बताऊं कि मैंने उनकी 10-15 सेकंड का एक विजुअल देख करके मैंने उनको एक फिल्म में, ये तो 2011-15 की बात है, 2007 में मैंने उनको एक बहुत ही छोटे फिल्म में, बड़ी फिल्म में छोटा सा 10-15 सेकंड का एक किरदार देख करके मैंने जज कर लिया था। मैं नहीं जानता था कि ये कौन है, मैं नहीं जानता था कि ये मेरे गोपालगंज से ही है, मैं नहीं जानता था कि इनके दादाजी मुझे पढ़ाए हुए हैं। मैंने जब पता चला कि ये है तो मैंने उनको उस दिन कहा था कि पंकज भाई आप बहुत बड़े एक्टर बनोगे, और वो मेरी फिल्म में तब बहुत बड़ा एक किरदार मैंने उनको कास्ट कर लिया था, 2007 की बात है। अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म नहीं बनी, तब से साथ संगत है हमारा 2000, और तभी से उनका ये था कि मिश्रा जी ये फिल्म बनी या ना बनी, आप कभी भी अगली फिल्म करोगे तो मैं करूँगा। और जब मैंने ये दूसरी फिल्म अपनी प्लान की तो उसी कमिटमेंट के तहत वो आए हमारे साथ। अनुज जी कुछ पुरानी यादें शूटिंग के दरमियान पंकज जी के साथ शेयर करना चाहेंगे? बहुत अच्छे अभिनेता हैं वो यार, और बहुत मेहनत की है उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र, और हर व्यक्ति को जो मेहनत करता है, सपने देखता है, उसको अपने मुकाम पर पहुंचने का पूरा अधिकार है, वो पहुंचे हैं, तो मेरी तो शुभकामनाएं हैं उनके लिए हमेशा। और मुझे लगता है कि हम सब ने बहुत आनंद मनाया था, बड़े अच्छे हम सारे बड़े घुल मिल के काम किया था, एक परिवार की तरह काम किया था, और बहुत सफ़र जब आगे बढ़ता है तो बहुत सारी चीज़ें पीछे छूटती भी हैं, तो उसमें हमें अफसोस नहीं होना चाहिए कभी। एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब हमने ये फिल्म शूट किया था, ये बहुत कम बार होता है कि हम जितना एक दिन में शूट प्लान किए थे, और हमारा ट्रेवल बहुत था, दिल्ली, देहरादून, अलीगढ़, गाजियाबाद, और हमारे पास लिमिटेड टाइम था, और हम ईश्वर ने भी साथ दिया और हमारे सभी एक्टर्स ने साथ दिया कि हम जितना एक दिन के लिए प्लान करते थे वो सारा एक शॉट भी हमारा बैकलॉग नहीं बचा था। तो ये एक बड़ी बात होती है किसी भी मेकर के लिए, किसी भी फिल्म मेकर के लिए, कि कोई बैकलॉग नहीं बच रहा है, इसका मतलब कि आपका एक्टर आपके साथ बहुत संजीदगी से जुड़ा हुआ है, काम कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, और आपकी प्लानिंग बेहतर है। तो ये दोनों चीजें थी, फॉर्चुनेटली ये एक्सक्यूज हो। हाँ, और बहुत सारी ऐसी लोकेशंस थी जो जहाँ शूटिंग करना असंभव नहीं था, वो हमने सुबह 6 बजे 5 बजे पहुंच के वहाँ पर बहुत सारी लोकेशन, आप जब फिल्म देखेंगे तो उसमें काफ़ी गुरीला शूट है। हाँ, मतलब कि आप ये समझिए कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि हम लिमिटेड सर्विस में उसमें जाएं, हाँ, और हर जगह परमिशन लेकर के वो करते रहे, पॉसिबल ही नहीं, गुरीला शूट किया। गुरीला शूट इसलिए किया, और इतनी बड़ी लोकेशन पर शूट करना भी आसान नहीं था, तो उस तरह का बजट भी नहीं था हमारा, बट वो बहुत मेहनत का काम था, और उसमें पंकज भाई ने बहुत साथ दिया, हमने सर ने जैसा बोला हम सब ने मिलकर वैसा ही किया। थैंक यू सर। ज्यादा दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे मास्क व्यू पे फिल्म देखने के लिए? फिल्म देखिएगा, फिल्म बहुत अच्छी है, फिल्म इसलिए अच्छी है क्योंकि जो आजकल माहौल चल रहा है वो आपको कुछ ना कुछ शिक्षा ही देगी, और मास्क टीवी को मेरी तरफ से बहुत सारी बधाई, और मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा यार, मैं जैसे आज आपके सामने पहुँचा हूँ
तो मैं तो हर नौजवान को ये कहूँगा कि सपने देखिए, सपने देखना बहुत जरूरी है। मैं पहुँच गया हूँ तो कोई भी पहुँच सकता है, पर सपने सच्चे होने चाहिए। थैंक यू सर। सामने बैठ करके आप अपना दे रहे हो इंट्रो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और सर के साथ काम करने में बहुत मजा आया और ये प्रोजेक्ट करने में बहुत मजा आया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सर आपका एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा रहा और फिल्म जो है जो आज भी अगर आपका जो मैसेज है वो बहुत ही रेलिवेंट है, जो सब दुनिया में हो रहा है, आप फिल्म देखेंगे तो बहुत ही सही तरीके से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है और सर के साथ टीम के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया और मेरे मित्र अनुज ने तो बहुत ही बेहतरीन काम किया है इसमें, आप लोग देखेंगे। आपने इंग्लिश में पूरी न्यूज़ की है, क्या कुछ फंबल्स होते थे क्या टेक नहीं? आपका एक्सपीरियंस? नमस्कार, मेरा नाम नरमी अग्रवाल है और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं इस फिल्म का एक हिस्सा रही हूँ और सर ने बहुत ही प्यार से इस मूवी को बनाया है और उनकी इतनी ज़्यादा मेहनत लगी है इसके पीछे और बहुत खुशी है कि आज वो फिल्म हमारे सबके सामने है और मुझे सर के साथ काम करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अनुज जी का किरदार कैसा लगा? पंकज जी का बहुत ही ज्यादा शानदार लगा है। मैंने अनुज भैया को आज मैं बोलिया मारती हूँ, सर बोल सकती हूँ तो कभी स्क्रीन पर, इतनी बड़ी स्क्रीन पर कभी नहीं देखा था और आज मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है कि मैं जिनको भैया मारती हूँ सीरियसली इतने अच्छे काम करते हैं वो, तो आई वॉज सो हैप्पी। फिल्म के अंदर अच्छा काम नहीं, बाहर काम करते हैं? फिल्म के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं, एज एन एक्टर बहुत अच्छा काम करते हैं और एज अ पर्सन तो बहुत अच्छे है ही वो। पंकज जी को जब आपने देखा सेट पे, आपने उनके साथ में शूट किया होगा, क्या कभी ऐसा हुआ कि आप उनसे मिले शूटिंग साथ में? सर के साथ तो मौका नहीं लगा क्योंकि सीन ऐसा हमारे साथ नहीं था, बट हाँ जैसा कि हम सब जानते हैं पंकज सर तो बहुत अच्छे अभिनेता है ही, तो बिल्कुल अच्छा ही लगा उनके साथ, हमारी फिल्म में वो है, हम उनकी फिल्म में है तो। सर आपका एक्सपीरियंस पंकज जी के साथ? हमारा जो काम है वो उनके साथ तो नहीं था डायरेक्टली, लेकिन पंकज जी तो एक बहुत ही उम्दा कलाकार है और अनुज भाई और कमलेश सर से उनके बारे में जो काम किया पता लगा, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने तो उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ। कमलेश जी बहुत फिल्म में मैं देखा, बहुत सारे एंकर उसमें, बहुत सारा न्यूज़ देखा है, और भी कोई एंकर है काम किया, कितने लगा लोगों ने? एंकर दो और हैं अच्छा जो दिल्ली से बॉम्बे से बाहर है, एक सात बाबा फिल्म मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उसका उत्तर मैं देता हूँ यार वो कमलेश जी की जर्नी जो है ना एज मीडिया पर्सन शुरू हुई थी, तो इन्होंने पहली फिल्म बनाई तो सोचा मीडिया पे ही बनाई। बेसिकली मैंने अपना करियर एज ए जर्नलिस्ट शुरू किया था, लेकिन ये जो कुछ बदलाव थे मेरा सिनेमा की तरफ आकर्षण था उसने उसको चेंज ओवर करने को किया। अब लोग पूछेंगे कि भाई इतने सारे न्यूज वगैरह क्यों है, तो दो कारण है। एक तो ये कि भाई यदि बहुत ज़्यादा मैं उसको एक्सक्यूट करता तो मेरे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए था, ठीक है वो नहीं था ईमानदारी से कहूँ तो। और दूसरी बात ये कि आप ये देखें कि न्यूज आपके अंदर कितना घुसा हुआ है, आपके घर में, आपके ड्राइंग रूम में, आपके फ़ोन में, तो यदि वहाँ घुसा हुआ है तो यहाँ उसका रेशियो जो है वो कम ही है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। और जीव घटनाएं जिस तरह की होती हैं और जिन घटनाओं के आधार पर ये फिल्म है, आप ये इमेजिन करिए कि जब ऐसी कोई छोटी घटना होती है तो आपको 24 घंटे आपके दिमाग में कितने ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, तो उसका असर तो ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। ऐसी कोई योजना नहीं है, मेरी अपनी किटी में बहुत सारे कंसेप्ट हैं और मैं आ गया हूँ पहली फिल्म लेकर के और निस्संदेह निराश नहीं करूँगा, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दूंगा, यहाँ से एक एक सीढ़ी ऊपर हम बढ़ेंगे और आप लोगों का सहयोग रहा और साथ रहा तो यूं ही मिलते जुलते रहेंगे और काम करते हैं। थैंक यू सर।